नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिवाली पर कैसे करें पूजा। दोस्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करने के लिए सबसे पहले एक पटरा लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इसे हम चौकी के नाम से भी जान सकते हैं। फिर उस चौकी पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को रखें और मिट्टी के दो दीपक कलश रखें और कलश के ऊपर नारियल रखें। थोड़े से चावल व चांदी का सिक्का, 3 थालियां व जल का पात्र और मिठाई लेकर वहां रख दें। अब दोस्तों बताते हैं कि पूजा कैसे करनी है। चौकी पर दोनों मूर्तियों को इस प्रकार रखें, उनका चेहरा पूर्व या पश्चिम में लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिने ओर रहेंगी। कलश और नारियल को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें, क्योंकि कलश वरुण का प्रतीक है। उसके बाद दो दीपक रखें, एक में घी डालें और दूसरे में तेल। फिर मूर्तियों के पास सुपारी रखें और चारों कोनों पर थोड़े थोड़े चावल रखें और जो 3 थालियां हमने ली थी उन थालियों में अलग अलग सामान रखें, जैसे एक 11 दीपक, दूसरे में खीर, बताशे, बस, आभूषण, चंदन, सिंदूर, सुपारी और पान, इन सब चीजों को रखें। और दोस्तों तीसरी थाली में हमें रखना है फूल, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर और धूप अगरबत्ती और एक दीपक भी। पूजन करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप सभी सामान को लेकर अपनी पूजा को संपन्न करें। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, इससे आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे और उसे पहले।